नमस्कार दोस्तों, का बहुत बहुत स्वागत है ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। अगर मोबाइल में भी आप क्रोम यूज करते हैं तो आप ओपन करें, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है NVSP, ठीक है। यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे NVSP सर्विस पोर्टल आ जाएगा। अगर आप पहली बार पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फॉर्म नंबर 6 भर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली जाके, या आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह पता करना है तो आप यहाँ जा सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस पे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्म 6 पे, क्योंकि मैं पहली बार वो फॉर्म भर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले आता है लैंग्वेज, सेलेक्ट लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और ये मलयालम है, तीन लैंग्वेज अवेलेबल है, कोई से भी आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है अपना। स्टेट मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ अपना दिल्ली। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको पार्लियामेंट्री असेंबली सेलेक्ट करना है, जो कि मेरा है क्या पड़ता है, मुंडगा, ठीक है। यहाँ पे एक दो ऑप्शन देता है, एज अ फर्स्ट टाइम वोटर ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कंस्टिट्यूएंसी, जो भी है ये। तो आप इसमें से जो हैं जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट टाइम वोटर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने इस पर टिक कर रखा है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम है VIKRAM, और यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर ये सेम वर्ड अगर हिंदी में नहीं ले रहा है तो आप कहीं और पे हिंदी में टाइपिंग करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सरनेम में SHARMA, मैंने शर्मा लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। ऑफ नेम ऑफ रिलेटिव एप्लीकेंट, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा रिलेटिव, किस रिलेटिव का नाम लिखना चाहते हैं। यहाँ पर आप फादर का, मदर का, हस्बैंड, वाइफ या अपने गुरु का, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फादर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक। अगर उनका कोई सरनेम है तो सरनेम लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन भी देगा आपको। और यहाँ पर टाइप ऑफ रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना लिखना है आपको। अगर आपको पता है कि 1 जनवरी को आपका जो आपकी जो उम्र है वो कितनी हो रही है, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या सीधा अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जेंडर, जैसे डेट ऑफ बर्थ मैं लिखता हूँ यहाँ पर अपना, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जेंडर, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे 371 BKARALA, ठीक है। यहाँ पे कारला ले रहा है, अब मेरे को कराला लिखना है, कराला लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है लेकिन उसमें भी नहीं है कराला, तो यहाँ पे डबल ए लगा दिया मैंने, अभी भी कारला ले रहा है और इसलिए नहीं कराला। तो यहाँ पे मैं अपने एरिया का हिंदी में नाम सर्च करता हूँ, यहाँ पे KARALA दिल्ली इन हिंदी, ठीक है। यहाँ पे कराला लिखा हुआ मिल गया मुझे, यहाँ पे कॉपी मारना है, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है कराला, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली पोस्ट ऑफिस कंझावला, ठीक है, पिन कोड, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट तो पहले से सिलेक्टेड है, और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है, हमेशा वहीं पे रहेंगे, तो आप सेम एज अबव क्लिक कर सकते हैं। या अगर आपका एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर, ठीक है, यहाँ पे सेम एज अबव लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरा एड्रेस सेम है, ये सब ऑप्शनल है। और यहाँ पे ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, और उसके बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर लिखना है,
और उसके बाद यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपना अपलोड करना होगा जो कि 2 MB से नीचे होना चाहिए कम का। यहाँ पे एज डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ये देख सकते हैं आप ऐसा, जो कि ये कहाँ खुल गया, हाँ ये खुल गया। तो ऐसा आपको एज डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा आपको, जिसमें आपको नाम वगैरह सिग्नेचर वगैरह करके देना है और फिर से वहीं पे अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एज प्रूफ में आपको क्या क्या देना पड़ सकता है, एक चीज़ इनमें से कोई एक चीज़ अपलोड कर सकते हैं आप, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, या 10वीं या 8वीं का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कोई सभी सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में आपको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन का बिल, कोई सभी बिल इनमें से, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कोई भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम फिल करता हूँ, फोटो वगैरह अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है, फोटो आ गया। एज डिक्लेरेशन फॉर्म आप कहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एज प्रूफ, एज प्रूफ में आपको अपना 10वीं का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, जैसे 10th का मार्कशीट मैंने अपलोड किया तो यहाँ पर 10 सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे अपलोड करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको जन्म कहाँ हुआ, पर दिल्ली में हुआ था, कहाँ हुआ था वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कराला में सेलेक्ट कर दिया, और वो कहाँ पड़ता है, दिल्ली में, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, और डेट क्या है, डेट क्या था, 8 फरवरी 16, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेस जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, कराला मैंने लिख दिया, और यहाँ पर कैप्चा आपको फिल आउट करना है 57994। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस पता कर सकते हैं, कंप्यूटर में या मोबाइल में कैसे भी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। I'm just sitting here.